अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ देगी स्टाइल झटपट बनने वाला। आज हम देग की सब्जी कुकर में बनाएंगे, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने ऐसे रफली लंबा लंबा काट लिया है। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है, ये बकरे का गोश्त है, ये चर्बी वाला गोश्त है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1.25 किलो दही लिया है, बगैर पानी का दही। यहाँ पर मैंने सूखे मसाले लिए, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, मिर्ची पाउडर और ये है सीम कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। और यहाँ पर मैंने खड़ी लाल मिर्चें ली है, दालचीनी का टुकड़ा लिया है 1 इंच जितना, और यहाँ पर हरी इलायची मैंने 10 से 12 ली है, क्योंकि इसमें हरी इलायची ज़्यादा डलती है। और यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 टुकड़ा जावित्री का लिया है, 2 स्टार लिए हैं टुकड़ों में, और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्ची ली है। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन लिया है, ये मोटा लहसुन है, मोटा लहसुन ये मैंने कूट लिया है, इसको इसको बारीक बारीक नहीं पीसा, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। यहाँ पर मैंने कुकर में 2 बड़े कप भरकर ऑयल डाल लिया है, ये मैंने तेज पत्ते लिए हैं, तेज पत्ते इसमें डाल दूंगी सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके बाद जो मैंने यहाँ पर प्याज ली थी वो प्याज डाल दूंगी। ये देगी कोरमा बना रही हूँ मैं, पर ये कुकर में बनेगा, ये बहुत जल्दी बनेगा। कुकर में बना के तैयार करेंगे हम देगी मटन। अब हम इसको हल्का गोल्डन कर लेंगे। यहाँ पर जो 1.25 किलो मैंने दही लिया था उसमें ये खड़े मसाले डालकर मिक्सर में बारीक पीस लूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने खड़े मसाले दही में डालकर पीस लिए हैं, इसको मैं निकाल लूँगी। यहाँ पर प्याज हमारी नरम हो गई है, अब इसमें जो हमने लहसुन अदरक कूटा था वो इसमें डाल दूंगी पूरा। अदरक लहसुन को भी हमको अच्छे से भूनना है। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन डालकर 5 मिनट तक इसको अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर मैं गोश्त डाल दूंगी, गोश्त को मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया था। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। ये है देगी मटन, लेकिन इसको कुकर में भी बहुत जोरदार बन के तैयार होता है ये, आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा घर पर। ये देखिए 4 से 5 मिनट मैंने इसको गोश्त डालकर इसको अच्छे से भून लिया है इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं डालूंगी जो हमने दही के अंदर खड़े मसाले पीसे थे वो इसमें पूरा डाल दूंगी। गैस बिल्कुल स्लो करके अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो पिसे हुए मैंने मसाले लिए थे वो भी डाल दूंगी इसके अंदर। और यहाँ पर मैंने एक मटन मसाले का पाउच लिया है वो भी डाल दूंगी इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये
ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसको मैं 5 से 8 मिनट तक इसको अच्छे से भूनूंगी, फिर उसके बाद हम पानी डाल के इसको सीटी लगा लेंगे हमारा गोश्त गलाने के लिए। यहाँ पर 5 से 8 मिनट मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाल दूंगी। दो गिलास पानी डाल दिया मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसका ढक्कन लगाकर इसमें गोश्त गलने तक के 5 से 6 सीटी लगा लूंगी। चलिए इसमें सीटी लग गई है, 8 से 10 सीटी लगा ली इसमें मैंने। अब यहाँ पर गोश्त चेक कर लेती हूँ मैं एक बार। ये देखिए गोश्त अच्छे से गल गया है। अब इसको हम इसकी भुनाई कर लेंगे 5 से 8 मिनट तक के। ये देखिए यहाँ पर मैंने सब्जी को 5 से 8 मिनट तक के इसकी अच्छी भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर मैं केवड़ा डाल दूंगी एक ढक्कन भर कर। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए ढक दूंगी, इसके बाद अब मैं सर्व करके बताती हूँ आप लोगों को। ये देखिए बनके तैयार है हमारा देगी कोरमा। ये झटपट हमने कुकर में बनाया है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।